अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातु। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे, इसको महाराष्ट्र हुकूमत ने टीटी एग्ज़ाम लेने की जिम्मेदारी दी है, इसलिए महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे ने नोटिफिकेशन जारी किया है। 9/9/2024 को नोटिफिकेशन जारी किया है कि टीटी एग्ज़ाम 10/11/2024 को लिया जाएगा और ये एग्ज़ाम सभी मीडियम के स्कूलों के लिए है, चाहे वो अनुदानित हो, बिना अनुदानित हो, कायम बिना अनुदानित हो या फिर शिक्षण सेवक हो, ये सब के लिए लाजमी है। और आपको इसके लिए फॉर्म भरने के लिए इस वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, https://mahatet.in पर इसकी पूरी डिटेल अवेलेबल है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है और उसके बाद आपको एग्ज़ाम की फ़ीस भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है 9/9/2024 से 30/9/2024 तक, इसके दरमियान आपको टीटी के लिए फॉर्म भरना है। फिर आपको जो हॉल टिकट मिलेगा, प्रवेश पत्र मिलेगा, वो 28/10/2024 से 10/11/2024 इसके दरमियान आप अपना एग्जामिनेशन कार्ड प्रिंट निकाल सकते हैं। पहला पेपर होगा 10/11/2024 को 10:30 बजे सुबह, वो 1 बजे तक चलेगा, 10:30 बजे से 1 बजे तक। दूसरा पेपर होगा 10/11/2024 को 2 बजे से 4:30 बजे तक, ये पेपर होगा। अब आपको पेपर ऑनलाइन फॉर्म कैसा भरना है, क्या करना है, आपको वेबसाइट पर जाकर पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो आपके आईडी और आपके पास में जो पासवर्ड रहेगा वो आपको अपने पास में महफूज कर लेना है, क्योंकि उसी आईडी और पासवर्ड के बिना पर आप अपना एग्जामिनेशन कार्ड और दीगर मालूमात हासिल कर सकेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको ईमेल या एसएमएस की सुविधा भी मिल सकती है। फॉर्म सिर्फ आप ऑनलाइन ही भर सकते हैं, ऑफलाइन किसी भी किस्म का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एग्ज़ाम की फ़ीस आप बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ज़रिए ऑनलाइन भर सकते हैं। चालान के ज़रिए से आप फीस अदा नहीं कर सकते। फीस भरने के बाद ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। एक बार आपने फॉर्म भर लिए तो उसके अंदर किसी भी किस्म की तरमीम नहीं होगी। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है उसके उस तारीख तक भी आप फीस भर सकते हैं। ऑनलाइन के अलावा किसी भी तरीके से फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फॉर्म के साथ किसी भी किस्म का कागज़ अटैच ना करें। और एक ख़ास नोट, जो बच्चों ने गैर कानूनी तौर पर टीटी के सर्टिफिकेट बनाए हैं उनके नाम इस वेबसाइट पर मौजूद हैं, वो फॉर्म ना भरें। www.msceepune.in ये वेबसाइट पर उन सब बच्चों के नाम मौजूद है, इसलिए जिनकी भी नाम होंगी तो वो इस एग्ज़ाम में फॉर्म नहीं भर सकते। अगर उन्होंने भर दिए तो उन पर कायदे से कार्रवाई की जाएगी। इस वेबसाइट पर यानी mahatet.in पर आप हर अपडेट को हासिल कर सकते हैं, जो भी तब्दीली उसके अंदर होंगी। तो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इस हेल्पलाइन नंबर से आप मदद ले सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। तो ये थी पूरी मालूमात mahatet की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हर तरह की मालूमात आपको अवेलेबल करेंगे, टीटी अपडेट देते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए।